गौ रक्षा समिति द्वारा मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जयंती। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में शनिवार 11 फरवरी को विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति तथा उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर संत शिरोमणि रविदास जयंती के कार्यक्रम का भव्य आयोजन गायत्री नगर लोहिया पुल बबेरू रोड के कान्हा कुंज लाज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य माननीय लोगों द्वारा संत शिरोमणि श्री रविदास जी के महान कार्यों को याद किया गया तथा उनके द्वारा किए गए महान कार्यों जो कि समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए किए गए उनको याद किया गया। इस दौरान उपस्थित समिति के जिलाध्यक्ष श्री महेश कुमार प्रजापति ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती समारोह पर हम सभी ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा उनके महान कार्यों को याद किया गया है। उन्होंने समाज में अपना पूर्ण योगदान दिया है तथा समाज के लिए बहुत सराहनीय तथा महान कार्य किए हैं और सभी को उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महेंद्र शंभू, जिला मंत्री सचिन चौरसिया चीता, जिला प्रभारी सुरेश कान्हा, जिला महामंत्री राकेश कुमार त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष आलोक प्रजापति, नगर महामंत्री ब्रजकिशोर द्विवेदी, पूर्वी नगर अध्यक्ष बलबीर कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी मितेश कुमार, प्रचार मंत्री रजनीश प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सी न्यूज इंडिया, माया तिवारी, बांदा। महेश जी, कैसा कार्यक्रम आयोजन हुआ है? आज ये रविदास जी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन हुआ, जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। और इन्होंने समाज स्तर पे और छुआछूत संबंधित विभिन्न ऐसे अभियान चलाकर जो समाज को जागरूक किया, ऐसे पदचिन्हों में हम कहें सामाजिक क्षेत्र में लोगों को चलना चाहिए। और जैसे ये कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तर में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ पर आयोजित हुआ कार्यक्रम? ये कार्यक्रम कान्हा कुंज में जिला कार्यालय वहीं पर आयोजित किया गया।